नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ लिनियर SHM। ये क्या होता है लिनियर SHM? आज हम लोग लिनियर SHM पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशनल SHM पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, खत्म है ना। तीन वीडियोज में, यानी कि तीन दिन है ना। चलो देखते हैं, आज हम लोग लीनियर SHM के बारे में, हम लोग सारी बातें जितनी भी अभी तक पढ़े हैं वो सब कुछ लीनियर SHM ही था। इज दैट ओके? ये इसी के अबाउट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे, हल्का फुल्का अगर होगा तो, समय मिला तो रोटेशनल SHM भी निकाल ही देंगे हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं कर सकते आज। तो लीनियर SHM क्या होता है, मान लेते हैं एक बॉडी है ना जिसका ये पॉइंट है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है। That force है ना, ये force कैसा है, translational restoring force, is that okay? ये कैसी force है, translational restoring force है, and this force is function of x, यानी कि position पर depend करेगा। That is not अ कॉन्स्टेंट फोर्स, ये भी समझ में आना चाहिए, ये एक वेरिएबल फोर्स होगा। ऐसा फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन कॉज होगा वो एक्सेलरेशन जो होना चाहिए निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होना चाहिए, या फिर हम ऐसे सीखे थे कि निगेटिव ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होनी चाहिए। इस तरह के कंडीशन जब होंगे तो हम लोग उसको कहेंगे लीनियर SHM, मतलब एक ही लाइन पर हमारा SHM हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी रोटेट करे, जैसा हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन में, कोई बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट भी तो कर सकता है, टॉर्क भी तो लगेगा। हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं करने वाले आज की वीडियो में, खास करके आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल रीस्टोरिंग फोर्स के कारण लगने वाले, सॉरी होने वाले जो SHM होंगे, हम उसी के कारण बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है इस पूरे के पूरे सिस्टम में, तो वो आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एकदम ध्यान समझना एक एक चीज को, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, तो हमारे पास एक स्प्रिंग और का स्टडी करेंगे, इसमें एक स्प्रिंग है, इसको मैंने एक एम मास से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये एक स्मूथ सरफेस है ना। ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। मेरे पास बहुत पैसा है, कौन बोला था? अरे ये डायलॉग सुना सुना है, कमेंट बॉक्स में डालो कौन बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है। अरे बरबूति मेरे पास बहुत पैसा कौन कौन देखता है भाभी जी हिट लाइक। चलो ठीक, ये मास्क को मैंने क्या किया, देखो ये मास्क को मैंने थोड़ा यहां पर खींच करके छोड़ दिया, बात समझना। ये दिख रहा था ऐसे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इस मास्क को मैंने यहां पर लाके छोड़ दिया, तो क्या करेगा स्प्रिंग, क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, बात समझ में आ रही है ना। स्प्रिंग क्या करेगा, इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैं कहूंगा ये जो स्प्रिंग जो इसके ऊपर फोर्स लगा, मैं उसे कहूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। इज दैट ओके? एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन ऑन दिस ब्लॉक टुवर्ड दिस साइड, इज दैट ओके? यही स्प्रिंग फोर्स इस मास को इधर की तरफ खींच करके इसके अंदर में एक्सेलरेशन जनरेट करवाएगा, जो कि इनर्शियल टाइप का एक्सेलरेशन होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे MA। अब रिस्टोरिंग फोर्स हमको पता है KX होता है ना, स्प्रिंग के कारण फोर्स तो हमको पता है ना KX होता है। हम मॉड में बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह ये एक्स डिस्टेंस हम उधर भेजे थे, इसको KX इक्वल टू MA हो जाएगा, इज दैट ओके? तो हम एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं K/M × x। अब कुछ दिखा, ए दिख रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं, नाउ कंपेयर विद
एक्सलेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ए दिखा, एक्स दिखा, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पे यही तो दिखा, माइनस नहीं दिख रहा। मैंने पहले बोला मॉड के बारे में बात कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ सीधा फोर्स लिखते तो मुझे डायरेक्शन वगैरह लिखना पड़ता, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते के बाय एम। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर के बाय एम। आसान हो गया यहाँ तक बात। और अगर ओमेगा का वैल्यू मेरे को पता है तो टाइम पीरियड भी हम लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट ओवर के बाय एम। तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट ओवर एम बाय के। अब इस फॉर्मूला को बाबा रट लो, ठीक है, क्योंकि अभी से इसी पर बहुत सारी बातें होंगी। रूट ओवर एम बाय के, ठीक है, पहले यहाँ से कॉपी कर लो, फिर हम अभी एक छोटा छोटा बात करेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे सवालों की तरफ मूव करेंगे। यानी कि बेसिकली आज हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसी के गिर्द गिर्द, यानी कि इर्द गिर्द जो भी है घूमेगा। तो पहले अच्छे से कॉपी करो, फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे, तब फिर अच्छे से सवाल बनाएंगे। ओके, पहले कॉपी करो। तो अभी हम लोगों ने सीखा टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के होता है। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालना तो घुमा देंगे, और कौन सा बहुत बड़ा टेंशन है, 1 बाई 2 पाई रूट ओवर के अपॉन एम हो जाएगा। लेकिन हमारा इससे कोई ज़्यादा खेत का झगड़ा नहीं है, जो झगड़ा इसी से है। तो ध्यान से पहले समझ लेंगे, यानी कि सारा डेरिवेशन हम लोग जितने भी निकालेंगे तो टाइम पीरियड हमें मैक्सिमम सवाल में रहेगा कि टाइम पीरियड बताओ इस सिस्टम का, ठीक है। अभी हम जो बात बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना है, कान लगा लग गया कान का जो ये SHM जो परफॉर्म हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द वेरिएबल फोर्सेस या ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। कोई कांस्टेंट फोर्स SHM जनरेट नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, ठीक है। SHM या लीनियर SHM जो था, या फिर रोटेशनल SHM ही होगा, खैर कोई बात नहीं है। SHM ओनली, ऐसे लिख लेते हैं, ओनली परफॉर्म ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है, विच कॉजेस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स। अगर कहीं यहां पर मैं कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई कर दूं, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स मैं इस पे अप्लाई कर दूं, बात समझ में आएगा। अभी से हम लोग वही करने वाले हैं, लेकिन हम दिमाग में रखना है, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग गया जो कि हर समय सेम है, उसके कारण ऐसे जम नहीं होगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल फोर्सेस हैं सिर्फ उसी कारण से जम होगा, इस तरह के। चलो देखते हैं एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, देखना ध्यान से, इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हम केस नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एम मास लगा दिया और ऐसे हैंग कर दिया, इससे होगा क्या कि ये अपने मीन पोजिशन, मान लेते ये L0 लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ये था, है ना, बात समझना, ऐसे L0 लेंथ से ये खींचा हुआ था, मतलब ऐसे रहा शुरुआत में इनिशियली, तभी मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ला करके छोड़ दिया। तो अगले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एम यहाँ आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो है अब इसका खींचा हुआ लेंथ हो गया L0 प्लस में L, थोड़ा L से ये खींचा गया। ये क्यों खींचाया, ये जो है M मास ये क्यों खींचाया, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा जिसका नाम है Mg, और ये Mg कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, क्या यहाँ पर ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर कम लगेगा, ऐसा तो नहीं, हर जगह तो सेम लगेगा, दैट इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। तो क्या इसके कारण कोई SHM हो सकता है, तो इसके कारण SHM नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, ये हर समय यहाँ पर रहे ब्लॉक, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, हर जगह यही लगेगा, तो इसके कारण कोई SHM नहीं दिखेगा। तो हम लोग SHM किसके कारण देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फोर्स कारण। तो वो वेरिएबल फोर्स मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैंने टप मार दिया इसको, पड़ाक, ये थोड़ा नीचे एक्स से नीचे आएगा, अब फिर यहाँ से एक्स से ऊपर, यानी इस पोजिशन के अबाउट ये ऐसे ऐसे SHM करेगा। अब ये क्यों कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही खींचेंगे तो स्प्रिंग नेक एक्स्ट्रा इलोंगेट हो जाएगा, अभी तो खींचा हुआ था ही,
तो स्प्रिंग जहां एक्स्ट्रा एलोंगेशन होगा तो वहां पर एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स टाइप विच कॉजेज द एक्सेलरेशन विच कॉजेज द टाइम पीरियड. अरे बस मैं इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के. सेम वही लिखेंगे ना वैसे के एक्स का वैल्यू एम ए तो उसी से ये चीज आ गया हमारा. यानी कि इस वाले सिस्टम का भी टाइम पीरियड वही रहेगा जो मैंने वहां पर रखा था. अलोंग विद अगर मैंने देखना ध्यान से इसी सिस्टम को मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रख दूं ऐसे एम मास का तो भी इसके ऊपर mg sin थीटा कांस्टेंट लगेगा उसके कारण ऐसा चल तो होगा नहीं. हाँ किसी ने ऐसा किया कैसे पकड़ करके खींच कर छोड़ दिया तो पट 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 मारना स्टार्ट करेगा ऐसे तो ये सिर्फ ऐसे करेगा क्योंकि ये kx है ना kx इधर की तरफ लग रहा होगा. अरे बस में तो इस कारण से यहाँ पर भी टाइम पीरियड कितना दिखेगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के. बात समझ में आ गया. कोई दिक्कत है कौनो कष्ट है कौनो तकलीफ है कॉपी करो. अभी हम एक चीज दिखा रहे हैं यहां पर कि मान लेते हैं यही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया कंप्लीट फिल है पानी से वाटर से एम मास है ये इसका स्टिफनेस के दिया हुआ है. क्या होगा इसका एसएचएम मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा. जिन्होंने फ्लूड नहीं पढ़ा है उसको भी बात समझ में आएगा भाई कुछ तो बॉइंट फोर्स वगैरह का नाम तो सुने ही होगे. ठीक है तो कुछ बहुत बड़का बम नहीं गिरने वाला है आंसर. अगर तुम लोग में से स्मार्ट हो तो आंसर पता चल गया होगा और नहीं स्मार्ट हो तो थोड़ा देर तक कंट्रोल करके देखो. एम जी नीचे लगेगा और पानी क्या करेगा इसको बोलेगा बाबा तुम ऊपर भागो बॉइंट फोर्स लगाएगा. ये दो फोर्स तो दिखे तभी किसी ने क्या किया यहां से टप एक्स से नीचे टक 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 करना स्टार्ट किया. तो पूछा ये टाइम पीरियड कितना होगा. पहला बात टाइम पीरियड किसके कारण होगा क्या एम जी कारण होगा क्या ये कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट है ना इसके कारण तो नहीं होगा. बॉइंट फोर्स का वैल्यू होता है बॉइंट फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड. ठीक है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड होता है क्या जितना भी अगर पूरा का पूरा मास अंदर की तरफ है इसका मतलब ये होगा कि पूरा मास देखना बात समझना ये पूरा मास अंदर में है तो जितना वेट डिस्प्लेस करेगा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा यहां पर या यहां पर यहां पर हर जगह सेम होगा. वॉल्यूम तो पानी का जो डिस्प्लेस हुआ वो तो सेम रहेगा यानी कि बॉइंट फोर्स भी सेम रहेगा तो इसके कारण भी ऐसे नहीं दिखेगा. तो घूम फिर करके बचा टक 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 वाला के एक्स तो उसी कारण से दिखेगा ना. तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉरी 2 पाई रूट ओवर एम बाई के. क्या कॉमेडी चल रहा है सर कुछ हो तो बढ़ाइए. आया समझ में कोई दिक्कत है समझ आ रहा बताना. अच्छा अगर किसी ने किया ये कॉपी कर लेना अगर किसी ने किया ऐसा जो भी कर रहा है उसको जिस दिन मिले ना उसको पकड़ के खूब मारो. मैंने कर रहा है ना कोई करते रहता है ये सब काम. उसने क्या किया इस पर कुछ चार्ज इंसर्ट कर दिया कुछ चार्ज क्यू इंसर्ट कर दिया और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया. अब इस क्यू के कारण ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल वाला नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स होता है वो होता है क्यू टाइम्स ऑफ ई. अभी याद कर लो 12th में जा करके पढ़ाई होगा ही ठीक है. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने कांस्टेंट रखा ये बारह बात याद रखना ये कांस्टेंट अगर है चार्ज मेरा कांस्टेंट है तो क्या ये फोर्स भी कांस्टेंट हो गया क्या. तो क्या फिर से इसके कारण कोई भी फोर्स दिखेगा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर और वो चार्ज को ऊपर की तरफ पुश करवा देगा थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ धकेल देगा. लेकिन वो तो धकेल के रखेगा है ना वो थोड़े ना कि मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा पाएगा. ऑसिलेट करवाने के लिए किसी इंसान ने बगल से आया उसने पड़ाक मार दिया इसको ऐसे टक. अब तो रोना धोना यही है कैसे सम यही होगा. अरे बस समझ में ये सारी चीज़ें हैं. अभी और भी बहुत सारी बातें पहले जल्दी कॉपी करो बहुत सारा चीज़ें.
हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बाबा भी पढ़ लो, ठीक है। अगर एक स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस K1 दिया हुआ है ना, और एक और स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस K2 दिया हुआ है, और इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया सीरीज में, तो इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो ये एकदम याद रखना है, यहाँ सीरीज दिख रहा है ना, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेसिस्टेंस का याद होगा उसका उल्टा होता है, वन बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू प्लस वन बाय के थ्री प्लस वन बाय टक। पैरेलल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कैसे लगाएंगे, ऐसे फिर ऐसे, है ना, ब्लॉक इधर लगा दिए M1, है ना, इधर से M2 लगा दिए, तो इसका K इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे पैरेलल वाले में, K1 प्लस में K2 प्लस में K3। कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हिस्सा। अब अगर मेरे को बोला कि दो स्प्रिंग है, मैंने दोनों को सीरीज में जोड़ दिया वगैरह 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 वगैरह, तो टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई के इक्विवेलेंट, इज दैट ओके, सॉरी म्यू नहीं लिखेंगे अभी, अभी तो हम लोग एम ही लिख रहा है, बाद में म्यू भी इंसर्ट करेंगे, एम प्लस में मास ऑफ स्प्रिंग का वन थर्ड हिस्सा, एम प्लस में मास ऑफ स्प्रिंग का वन थर्ड हिस्सा, यानी कि अगर स्प्रिंग में भी मास वगैरह दिया हुआ है तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इज दैट ओके, बात समझ में आया, ओके, मास ऑफ स्प्रिंग का वन थर्ड हिस्सा, ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। और के इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है, हम लोग के इक्विवेलेंट ऐसे ऐसे निकाल ही सकते हैं, यही सब होगा, उसको पुट कर देंगे, यही होता है एस एच एम ऑफ कंबाइंड स्प्रिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करो फिर बात करो, तो बताओ इसका फाइंड टाइम पीरियड, ये के है और ये टू के है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं के इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना, दोनों पैरेलल पैरेलल की तरह बिहेव करवाएंगे इसको, k इंटू टू के बाय के प्लस में 2k, है ना, तो यहाँ से हो गया 2k का स्क्वायर बाय 3k, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 2k अपॉन 3, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाय 2k बाय 3, दैट्स योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी को अगर मैं वर्टिकल डाउन कर दूँ तो ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड इसका भी वही रहेगा, अरे बस समझना, इतना तो भावनाओं को समझ ही रहे होगे तुम लोग, है ना। अभी अगर मैं ऐसे एक सवाल लिया, के है और ये टू के है, और एक मास को मैंने ऐसे रख दिया, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, टू पाई रूट ओवर एम बाय, दोनों को सीधा जोड़ देना है तो 3k हो जाएगा ना, k इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, k प्लस 2k, इज दैट ओके, फिर देख लो, समझ आ रही बात। अब अगर किसी ने, है ना, ये हुआ क्वेश्चन नंबर वन, ये हुआ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर किसी का मन फिर गया, उसने ऐसा करवा दिया मेरे से सवाल, एम यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये के वन है, ये के टू है, अब छोटा सा बात दिमाग में रखना है कि अगर ब्लॉक से ही डायरेक्टली स्प्रिंग कनेक्टेड है तो वो हर समय पैरेलल में रहेगा, ब्लॉक से डायरेक्टली स्प्रिंग में कनेक्टेड है इस तरह से तो हम उसमें पैरेलल में है, क्योंकि देखो ये तो दीवार है ना, दीवार तो ऐसे कुछ हो गया ना, दीवाल दी वॉल, अब फिर ब्लॉक से ऐसे कनेक्टेड है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा सा इधर की तरफ एक्स से खींच दिया, तो ये ऐसे टक 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 करेगा बीच में, तो इसका टाइम पीरियड का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये पैरेलल हो गया ना, टू पाई रूट ओवर एम बाय के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, के वन के टू,
बाई के वन प्लस में के टू, इज इट ओके? चलो कॉपी करो फिर, अभी और भी बहुत बहुत बहुत। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सवाल है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक मासलेस ब्लेड है या फिर रॉड है, एक और स्प्रिंग है, यहाँ से मैंने एक मास एम लटका के रखा हुआ है, इसका है के, ये टू के और ये थ्री के, क्या ये दोनों पैरेलल है? फिर ये सीरीज पैरेलल है तो सीधा सीधी थ्री के हो जाएगा, और थ्री के को थ्री के से पैरेलल कर देंगे, सॉरी सीरीज वाला कर देंगे तो थ्री बाय टू के हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ओके, टू के और के ये तो समझ में आया, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल होने के वजह से के प्लस में टू के हो जाएगा थ्री के, और ये थ्री के और थ्री के सीरीज में है इसलिए क्या लिखेंगे, वन बाय थ्री के प्लस में वन बाय थ्री के इज इक्वल टू वन बाय के इक्विवेलेंट, तो यहाँ से जाएगा के इक्विवेलेंट का वैल्यू थ्री के अपॉन टू, तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू पाई रूट ओवर एम बाय थ्री के, ठीक है। इतना से किसी का मन नहीं भरा तो उसने क्या किया पता है? हाय देखो ऐसे, ऐसे और यहां से एक मास एम लटका दिया और बोल रहा है आप बताओ, ठीक है, और इसका जो स्टिफनेस है यहां से यहां तक का स्टिफनेस, इसका के है, इसका के है, इसका के है, इसका के है, यहाँ से जॉइंट है, बहुत आसान है क्या? ये दोनों तो कम से कम पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2k, इसका क्या हो जाएगा 2k, है ना, ये 2k ये भी 2k, तो फिर इस दोनों का क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट के, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π रूट ओवर एम बाई के, खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। अच्छा चलो कॉपी करो, कुछ तो गड़बड़ आ गया, अरे कुछ नहीं कर, चलिए कॉपी करो। तो इस सवाल को ध्यान से सुनना, ये बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर एफ रीस्टोरिंग, क्योंकि हम बहुत सारे स्प्रिंग है, बहुत सारा धीरी तो है जिसको हम कह देंगे एम ए के बराबर, तो हमको यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। ध्यान सुनना है पूरे अच्छे से इस सवाल को, अगर मैं कहूँ इस वाले ब्लॉक को, यहाँ तीनों का स्टिफनेस के दिया हुआ, ये 90 डिग्री पर है दोनों का दोनों, और ये ऐसे ही, तो मैंने अगर इसको कुछ एक्स से नीचे की तरफ खींच लिया है, ये नीचे की तरफ खींचा गया है, तो ये वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ आएगा, तो उसके कारण से एक्स का कॉस 45 डिग्री वाला हिस्सा इधर से नीचे खींचा जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा कितना खींचा जाएगा, एक्स कॉस 40 डिग्री इधर, है ना, और ये भी हो जाएगा x का cos 40 डिग्री इधर खींचा जाएगा, मतलब अगर समझना है ये मास नीचे x खींचाता है, ये भी x नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, ये मास का अगला पिक्चर हम दिखाएं, तो ये मास अब यहाँ होगा, तो अगर ये लेंथ अगर x इधर खींचा चुका है, ठीक है ना, तो x का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, तो x का cos 40 डिग्री हिस्सा इधर से इधर खींचा गया होगा, जिस कारण से मुझे यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स दिखने मिलेगा, क्लियर है, जिस कारण से इधर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स दिखेगा, इधर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स दिखेगा, और ये जो मास इधर की तरफ खींचा है, तो ये स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ एक kx फोर्स लगाएगा, बात समझ में आया? ये मास अगर नीचे आएगा तो स्प्रिंग बोलेगा तुम ऊपर जाओ, ये बोलेगा भाई मेरा इधर आओ, ये इधर आओ, सब मिल करके ऊपर ही ना जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा, तो चलो हम उसके कारण बात कर लेते हैं, तो जो एफ नेट बनेगा वो एफ नेट जिसको हम कह देंगे एम ए, उसका वैल्यू क्या होगा, के एक्स ऊपर की तरफ प्लस में के इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स कॉस 45 डिग्री इधर की तरफ होगा, ये फोर्स इसका कॉस 45 डिग्री इधर बनेगा, और इसका एक cos 40 डिग्री बनेगा, तो इसका भी तो एक इधर बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको दो से, आ रही बात समझ में, यही हो गया आपका MA, बाकी तो कुछ है ही नहीं रहा यहाँ पर, MA बराबर हो गया KX प्लस में 2KX इंटू cos 45 इंटू cos 45 कट गया, तो MA बराबर हो गया यहाँ से
2kx, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2k अपॉन m इंटू एक्स, और यही चीज़ आ गया हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर वैल्यू 2k अपॉन m, टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π रूट ओवर m अपॉन 2k, दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया, चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो। अभी अब थोड़ा अलग अलग हल्के फुल्के टॉपिक पर बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका मास है m और इसका स्टिफनेस k दिया हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड कितना लिख सकते हैं हम लोग? मतलब अगर ये k1 लिखा हुआ है तो मास है m, एंड अगर इस मास को मैंने k1 वाले से कनेक्ट किया तो इसका टाइम पीरियड को मैं t1 लिख सकता हूँ, जिसको लिखेंगे 2π रूट ओवर m बाई k1, इज दैट ओके? यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर कर देंगे तो t1 का होल स्क्वायर बाई 4π का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई k1, है ना। दिस इम्प्लाइज k1 इज इक्वल टू k1 बराबर m बाई 4π स्क्वायर m, सॉरी k1 इज इक्वल टू m बाय t1 का होल स्क्वायर। क्या दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ ठीक, सेकेंड नंबर में अगर मैंने, ध्यान सुनना है, इसी मास को मैंने दूसरे स्प्रिंग k2 से कनेक्ट कर दिया तो टाइम पीरियड इसका लिखेंगे t2 बराबर 2π रूट ओवर m बाई k2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम लोग सीधा सी लिखें k2 का वैल्यू m बाई 4π स्क्वायर इंटू t2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब किसी का दिमाग घूम गया, क्या घुमा उसने? दोनों को सीरीज में कंबाइन किया और पैरेलल में कंबाइन कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं पहले सीरीज में, तो सीरीज में कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा k1 और ये हो जाएगा k2। इसका टाइम पीरियड कितना होगा हमको पता है, टाइम पीरियड इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, जो अभी नया वाला आएगा उसको क्या कहेंगे, 2π रूट ओवर m बाई, नया के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे ना जो नया अभी आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम k इक्विवेलेंट के बारे में लिखें तो क्या लिखाएगा यहाँ से, m बाय 4π स्क्वायर t इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर, और k इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज में हमको पता है क्या होता है, 1 बाय k1 प्लस में 1 बाय k2 इज इक्वल टू 1 बाय k इक्विवेलेंट। दिस इम्प्लाइज k1 दिख रहा ना, इसके जगह पे यहाँ पुट कर सकेंगे क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर t1 का होल स्क्वायर बाय m प्लस में 4π स्क्वायर t2 का होल स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू 4π स्क्वायर t इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर बाय m। कॉमन आगे कट जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आएगा t1 का स्क्वायर प्लस में t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1/f1 का स्क्वायर प्लस में 1/f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तब है जबकि मैंने दोनों को सीरीज में कंबाइन किया है, अगर मैं दोनों को पैरेलल में कंबाइन करूंगा तब क्या आएगा, उसके कारण बात कर रहे हैं। ऐसे k1 और ये हो गया k2, तब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर k इक्विवेलेंट के जगह पे, सीधा सीधी k1 प्लस में k2, है ना। तो k1 बराबर क्या, k इक्विवेलेंट के जगह क्या लिखेंगे, यही चीज़। मतलब अभी इसका अगर k इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, k इक्विवेलेंट के जगह पे m बाय 4π स्क्वायर इंटू t इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k1 के जगह पे, इतना ना इसका पहले वाले का k1, m बाय 4π स्क्वायर इंटू t1 का होल स्क्वायर प्लस में m बाय 4π स्क्वायर इंटू t2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कट 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 जाएगा तो 1 बाय t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय t1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय t2 का होल स्क्वायर, और f इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर आ जाएगा f1 का स्क्वायर प्लस में f2 का होल स्क्वायर। अब एक गुड न्यूज़, ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, एक बार यह IEEE में आया है, एक बार कहीं तो आया है, जहां नहीं आया आई वे करेगा। लीनियर SHM का आज का हमारा साथ यहीं तक था, कल मिलते हैं।
रोटेशनल एसएचएल के साथ में, और धमाकेदार सवाल बनाएंगे ही कल, और उसके बाद फिर और एडवांस न्यूमेरिकल के साथ में इंटर करेंगे। कल हम लोग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो देखेंगे। बने रहो और लाइक करो, जोर से दबाओ, स्क्रीन मत फोड़ लेना लाइक को, ठीक है, लाइक के लिए जोर से दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या कर सकते हो ना। मिलते हैं, बाय बाय।